भाई साहब इतने परेशान लग रहे। अभी मेरे पास आपको समझाने का वक्त नहीं है, आप इसका ध्यान रखना बस। सुने डायरेक्टर साहब पैसे कब दे रहे हो? अरे यार तुम सब जानते हो अपनी सारी मूवी फ्लॉप जा रही है, पर इस बार जिस मूवी पर काम चल रहा है ना वो मूवी सुपर डुपर हिट जाएगी, क्योंकि मूवी का नाम ही ऐसा रखा है। ऐसा क्या नाम रखा भाई? मुन्नी नीलाम हुई। पर मुन्नी तो बदनाम हुई है, इसमें नीलाम हुई है। और हाँ, मुन्नी नीलाम होते ही सबसे पहले पैसे आपके दूंगा। यही बात 5 साल से सुनते आ रहे भाई हम। इस बार सबसे पहले पैसे आपके दूंगा। और मेरे? अरे तुम्हारे है ही कितने रुपए? 1 लाख। अरे अभी हो ही कितने दिन है तुम्हारे पैसे हुए? 4 साल। देख लो अगर मुन्नी नीलाम में हुई तो इस बार हम नीलाम हो जाएंगे। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इस बार मुन्नी नीलाम जरूर होगी। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं। हाँ सिर्फ भाई का फोन। हाँ सिर्फ भाई आ लिया ना। आ लिया आसिफ, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? और ये क्या राइटर बन गया तू? चलो ये सही है, तू राइटर मैं डायरेक्टर, दोनों मिलकर धूम उठा देंगे धुआं। पर पैसे की टेंशन मत लिए, मोटा पैसा पड़ा। कहाँ पड़ा? यही तो नहीं पता कहाँ पड़ा, उसे भी मिलकर दोनों ढूंढ लेंगे। अरे तुम्हारी बात तो सुन ले, जिस काम के लिए बुलाया उस पर ध्यान तो दे। अरे क्या बात है, कल इस किताब के ऊपर एक साइंटिस्ट ने जान दे दी। ऐसा क्या है इस किताब में, खोल कर देखता हूँ। अबे नहीं यार मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अबे एक बार खोल कर देख लूँ यार, ऐसा है क्या इस किताब में? अबे क्या है इसमें, पहेली लिख रही है, ला भी पढ़ के सुनाता हूँ तुझे। अबे नहीं यार मुझे यार कुछ सही नहीं लग रहा। सुन तो सही तू यार, काले जंगल का साया जो इसमें गया वो वापस ना आया। आसिफ साले जादू कहाँ सीख का आया, मुझे बहुत जल्दी करके वापस भेज दे, काम पड़ा बहुत। कैसा जादू? साले वापस भेज दे मुझे, अन्ना गला घोट के यही मार दूंगा। अरे मुझे क्या पता क्या हो रहा है, साले देर से पहले कह रहा था मैं ये किताब ऐसी वैसी ना है, लेकिन जो तेरा डायरेक्टर कीड़ा ना एक दिन में लेकर ही मरेगा। तो यार अब हम बाहर कैसे जाऊंगे यार? अरे मुझे क्या पता, मैं खुद यहां का फंस गया यार तेरे साथ। यार यहाँ तो दूर दूर तक रेत ही रहता है, ये कहाँ फंस गए हम दोनों आके? अगर हम इस दुनिया में फंसे हैं तो यहाँ से निकलने का कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा, हमें वो रास्ता खोजना होगा। यार आसिफ मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना जब हम यहाँ फंसी गए थे इंस्टाग्राम पर रील बना ले, झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही रुक जाए। है भाई? हाँ अल्लाह फोन दे। हाँ हाँ ले भाई। बस साले एक तो तेरे से मैं फंस गए तो रील की लग रही।
चल एक फोटो ही ले दे। चल छोड़, बैटरी डाउन हो रही मेरी। ये मौसम को क्या हुआ? जल्दी निकल यहाँ से। ये इस मौसम को क्या हुआ? ये तो इस ब्रह्मांड में किसी मानव का आने का संकेत दे रहा है। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। इंसान? ये नहीं हो सकता, असंभव। बाबा? ये बाबा कौन है? बाबा? बाबा ये कौन सी दुनिया है और आप कौन हो? बाबा नहीं, काल बाबा। और तुम जुमांजी में फंस चुके हो। जुमांजी? ये जुमांजी क्या है काल बाबा? जुमांजी एक दुनिया है और इसका निर्माण मैंने किया है, और तुम्हें इस दुनिया से बाहर सिर्फ मैं ही भेज सकता हूँ। तो काल बाबा आप हमें हमारी दुनिया में भेज दो। मैं तुम्हें अभी नहीं भेज सकता। पर क्यों बाबा? क्योंकि मेरे पास अभी मेरा तिलस्मी ताबीज नहीं है। तो अब हम इस दुनिया से बाहर कैसे जाएंगे? इस दुनिया से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें मेरा ताबीज लाना होगा। ताबीज? कहाँ मिलेगा ताबीज? वो ताबीज तुम्हें नागलोक के जंगल में नागराज के गले में ही मिलेगा। नागराज? और तुम्हें उसका अंत करके ही वो ताबीज मिल सकता है। पर बाबा हम उसका अंत कैसे करेंगे? ये माला तुम्हें उसके अंत करने में मदद करेगा, और ये माला अगर तुम एक दूसरे से अलग हो जाओ तो तुम्हें एक दूसरे से मिलाने भी मदद करेगी। लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल तुम सिर्फ एक बार कर सकते हो। ठीक है बाबा। रुको, लेकिन ये काम तुम्हें सूरज ढलने से पहले करना होगा। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ। तो ये ले फोन पकड़, यहाँ बना, यहाँ खींच दे 3-4 फोटो और एक रील भी बनाऊंगा यही है। अरे सुत्री के, तो क्या सोच रहा है तू? अरे मैं ये सोच रहा हूँ आखिर तिलस्मी ताबीज कैसे लाए। बस इतनी सी बात? अरे तेरा भाई यू ले आएगा तिलस्मी ताबीज। यू 2 मिनट रुक, यहीं लेकर आता हूँ मैं, ठीक है? 10 मिनट नहीं लगे मुझे। अरे यार आसिफ तो खाना खा के टेंशन ले रहा, तबीज की क्या इतनी बड़ी बात है? तबीज तो मैं यू ले आऊंगा, यू डायरेक्टर रिजवान नाम है मेरा, और नाक के साथ एक दो सेल्फी भी लूंगा। यार रिजवान भी कहाँ चले गए, छोड़ गया। अबे तेरी तो तेरी वाहन का यू कौन सी नस्ल है? Thank you.
सरदार दावत हो गई। सरदार कबीले में खबर कर दूं? ना सत्ता हमी उधेड़ दे गए। क्या आज आप तयो रिजवान भी कहां गया? रिजवान उठा लाओ इसे। अरे कहाँ गया था तू? बस साले क्यों बुलाया तूने मुझे? मैं तिलस्मी तावीज लेने वाला था, बस दो मिनट लेट। बस साले क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ? बस बाल बाल बच गया, पता नहीं क्या जाप्ता आ रहे हो। तो एक काम कर, तू इधर ढूंढ, मैं इधर ढूंढ रहा। चल अब तूने बुला लिया तो दोनों एक साथ ही ढूंढेंगे। आ तो। अरे यार सूरज छिपने वाला है, हम तिलस्मी तावीज लेके कैसे? आसिफ तू टेंशन न ले, नाक से तावीज मैं खुद ले लूंगा इंसान। और हाँ, इन छोटी मोटी चीज से नहीं डरता हूँ मैं। ये बात नागराज को बतानी होगी। सांप वाप से नहीं डरता हूँ मैं, इन छोटी मोटी चीज से, ठीक है? नागराज, नागराज, नागराज। किसने जगाया मुझे? नागराज, मैंने जंगल में इंसान देखे हैं। जंगल में इंसान? असंभव। नागराज, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। किसने अपनी मौत को दावत दी है? नहीं बचेगा वो। जंगल में इंसान के आने का मकसद पता है? तिलस्मी ताबीज को खतरा, यानी पूरी नागजात को खतरा। नहीं बचेंगे, मारे जाएंगे। अरे यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अबे तो डर मत आसिफ, तेरा भाई है ना तेरे साथ। तेरी बात। भागो, कहां तक भागोगे? यू क्या है आसिफ? बाबा ने दिया है मुझे तो? ना दिया बाबा ने। अरे एक ही था उनके पास। अरे तू वो सब छोड़, तबीज ले और निकल यहां से। हमें तिलस्मी तावीज लेके जल्द से जल्द बाबा के पास पहुंचना होगा। चल। काल बाबा, हम ये तावीज ले आए, अब आप हमें जल्दी से हमारी दुनिया में भेज दो। तुम्हारी दुनिया क्या? अब मैं तुम्हें उस दुनिया में भेज दूंगा जहां से कोई लौट कर नहीं आता। क्या मतलब? नादान बालक, तुम इस दुनिया से बाहर जब भी जा सकते थे, जब इस ताबीज को तोड़ दो, और तुमने ये ताबीज ही मुझे दे दिया। अब इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा, मेरा राज। तुमने हमारे साथ धोखा किया है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। छोड़ोगे तो जब मैं तुम्हें छोड़ूंगा।
अगर इस ताबीज को तोड़ के ही हम इस दुनिया से बाहर जा सकते हैं तो ठीक है, अब इसी ताबीज को तोड़ के हम इस दुनिया से बाहर जाएंगे। तो अब इंसान मेरा मुकाबला करेंगे? तो अपने ताबीज का धागा बांध लो, क्योंकि धागा टूटने वाला है। मतलब कमेंट में जरूर बताना और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तभी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेगी।